क्या हो गया? फोन कहाँ तेरा? फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतनी देर से फोन कर रही हूँ मैं। हैं? तुम्हारा से? तेरे पर? तुम्हारा? अरे यार वो बंटी है ना, अलार्म समझ के काट दिया होगा उसने। और तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ के कर रही हो और अंदर कैसे आई? मुझे पता है तुम चाबी कहाँ छुपा के रखते हो। बट तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो यार? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे यार जरूरी बात बाद में कर लेंगे, अभी मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। सोना वोना छोड़ो, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना उसके बाद तुम्हारी नींद उड़ने वाली है। भाभी जी राम राम। बंटी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अरे आप ये सब छोड़ो, ये बताओ कुछ चाय वाय लोगी? निकल रहा है या एक और दूं? जा रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों कर रही हूँ, मैं ये गेट बंद कर देता। अरे यार बेबी क्यों सुबह सुबह लड़ाकू विमान बन रखी हो, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बेबी बैठो, बताओ मुझे क्या हुआ। अरे रोने के लिए नहीं बोला, बात बताओ। यार बेबी आई मिस माय पीरियड्स। मिस माय पीरियड? तो बेबी क्या हो गया, तुम तो इतनी होशियार हो पढ़ाई में, अगले पीरियड में अटेंड कर लेना। टेंशन ले रही, सुबह सुबह उठा दिया इस चक्कर में। इडियट, I missed my periods. ओ, अच्छा, पीरियड मिस करती है? हाँ? पीरियड्स? हाँ? वैसे थोड़े दिन तो ऊपर नीचे चलता है ना? ऑलरेडी 10 दिन ऊपर हो चुके हैं। आई थिंक I am pregnant. बेबी यार ये कैसे हो गया? कैसे हो गया क्या मतलब? किया था तो हो गया। But बेबी हमने तो protection use करी थी, फिर कैसे हो गया यार? वो सब मुझे नहीं पता। देखो बेबी, मुझे अच्छे से याद है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या याद है तुम्हें? तुमने दारू पी रखी थी। हाँ तो बेबी वही तो कह रहा हूँ, वही तो बात है, जब मैं दारू पीता हूँ तो मैं कुछ भूल ही नहीं सकता। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या करें क्या मतलब, तुम बाप बनने वाले हो और मैं माँ। लड़का हुआ तो नाम रखेंगे पप्पू और लड़की हुई तो नाम रखेंगे लाली। नाम भी सोच रखे। अरे क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? कोई और नाम रखने हैं तो वो रख लेंगे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? लेकिन बेबी भरत, नीचे वो कबाड़ी वाला है तो बोले तो सारी बियर की बोतलें भेज दूँ, एक पेटी आ जाएगी। साले बोतल ना तेरी, तब दे दूंगा, निकल यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। दोनों के दोनों आज लड़ने के मूड में और चिल्ला मेरे पे रहे। बेबी अब क्या करें? सोचने दे यार। बेबी अबॉर्शन करा देते हैं। तुम पागल हो क्या? मैं अबॉर्शन नहीं कराने वाली। हाँ तो बाप बन जाऊंगा बिना ब्याह में? मुझे नहीं पता, और वैसे भी मुझे बहुत काम है, मुझे मार्केट जाना है ना, मुझे बेबी के लिए बेबी फूड, बेबी प्रैम और कपड़े भी तो लाने हैं। मैं जाकर आती हूँ, बाय। अरे जे, जे, जे।
भाई ये तो गोद भराई करा के मानेगी। भाभी जी जा रहे हो? दोनों के दोनों ने ढोल बना रखा है, बजा जा रहे हैं। अब तुझे क्या हुआ भाई? लग गए भाई। लग गए? ब्रेकअप करके चली गई क्या? उससे भी बुरा। उससे बुरा क्या हो सकता है? बाप बनने वाला हूँ मैं। ओए, ओए तू बाप बनने वाला है? ओए ये तो खुशखबरी है भाई, मुबारक तू बनेगा बाप, मैं बनूंगा चाचा, मैं बच्चे को। तुम दोनों की तो शादी नहीं। एक काम कर लेना, अबॉर्शन करवा दे। सोले अभी तो देखो चाटा मार के गई है, उसके सामने बोलेगा ना तो तेरा खून कर देगी। अबॉर्शन कर सोले, मतलब तू बिन ब्याह बाप बन जाएगा? तुझे से बाप बनने दे, कुछ सोच भाई। वही तो सोच रहा हूँ यार। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा एक अमेजिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है बिनोमो, जो कि एप्पल स्टोर प्ले स्टोर दोनों पर इजीली अवेलेबल है। इस ऐप में आप अलग अलग एसेट पर ट्रेड कर सकते हैं लाइक गोल्ड, फॉरेन करेंसी लाइक US डॉलर एंड यूरोस। इस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आपको अपने एसेट सिलेक्ट करने होंगे एंड उसके बाद देखना होगा कि आपका ये फोरकास्ट ऊपर जाएगा या नीचे। रुको मैं आप सबको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 700 रुपीज लगाए हैं ट्रेड पे, देखते हैं अब क्या बनता है। लो भाई मेरा फोरकास्ट सही हुआ। अब तुम अपने अमाउंट को इजीली बैंक में या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। और याद रहे यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है तो ध्यान से। और यहाँ पर आप मिनिमम 350 से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप मेरा दिया हुआ प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेंगे 350 का डबल यानी की 700 रुपीज। तो किसका इंतजार है, जल्दी से बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेंगे 65,000 रुपीज आपके डेमो अकाउंट में। तो जल्दी से जाओ डाउनलोड करो। तो क्या सोचा फिर तुमने? क्या सोचा? देखो शादी के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। हाँ तो मैं कौन सा रेडी हूँ? तो बच्चे को क्या जंगल में पालेंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुम देखो। देखो यार सुनो मेरी बात। सुनो वो कुछ नहीं, तुम्हारे ना बस की कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं ना अपनी मम्मी को ही बता देती हूँ, फिर वही देखेंगी क्या करना है। और वैसे भी मैं तो बोल दूंगी ना कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? हाँ जबरदस्ती की है। यू, 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 यू। ओ, अब तुम मेरी जान लेने वाले हो ना? पागल हो गई क्या, क्या बोल रही हो? मैंने ना क्राइम पेट्रोल में देखा है, जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी जान ले लेता है। तुम मेरी जान लेने वाले हो ना? तुम्हें खून ही लगता हूँ क्या मैं? और मैं तुम्हारी जान लूंगा। बट मैं तुम्हारी जान जरूर ले लूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। अब तुम ही मेरा ख्याल रखोगे और 2-4 दिन में डिसाइड कर लो कि तुमने करना क्या है। ठीक है यार जैसे तुम बोलो। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ बच्चे के लिए कौन से डायपर अच्छे लगेंगे, मैमी पोको पैंट्स या फिर पैम्पर्स? चलो हम लेने चलते हैं। चलो क्या ब्रो, तू आज कुछ ज्यादा ही सेंटी नहीं हो रहा? भाई यार ये लड़कियों का चक्कर था हद से ज्यादा बेकार है यार। हाँ ब्रो सही बोल रहा है तू। तू क्या? हाँ साले तू तो सिंगल है, तेरी लाइफ तो मस्त है, देखी है कभी लड़की? हाँ ब्रो। हाँ तो अच्छा है ना, अपनी हालत देख रहा है, अच्छा है मैं सिंगल हूँ। साले हंस ले मेरी बर्बादी पे। ले आ गया बर्बादी का फोन। हेलो। हाँ जी बेबी। कहाँ हो? कहाँ हूँगा इस टाइम पे, घर पे हूँ और कहाँ। मुझे ना नींबू पानी पीना है। नींबू पानी पीना तो पी लो। नींबू नहीं है ना यार। अरे नींबू नहीं है तो कुछ और पी लो यार। नहीं मुझे ना नींबू पानी पीना है, नींबू पानी पीना है और नींबू पानी पीना है। मुझे नहीं पता, मुझे नींबू ला के दो। अरे ये कौन सी जिद है यार, और वैसे भी इस टाइम नींबू कहाँ से ला के दूँ, नींबू वैसे इतने महंगे हो गए हैं। कहीं से भी ला के दो अभी के अभी। मैडम को आधी रात को नींबू चाहिए क्योंकि नींबू पानी पीना है, देख रहा है? क्या हुआ, नींबू मंगा रही है?
शुरुआत हो गई बेटा, धीरे धीरे पिछवाड़े में प्याज भी कटेगी। यार ये सब छोड़ा, बता नींबू कहाँ से लाऊंगा आधी रात को। अबे परेशान क्यों हो रहा है, तो दो मिनट रुक, मैं पड़ोस वाली भाभी से लेके आया। पड़ोस वाली भाभी से? भाभियों में तेरी बड़ी बातचीत है। अरे ब्रो ऐसी बात नहीं है, वो एक बार क्या है ना, भाई साहब घर पे नहीं थे तो भाभी ने मुझे अकेले में थोड़ा काम से बुलाया था। नॉटी। तो रुक मैं लेके आया। ये लो तुम्हारे नींबू। तो मुझे क्यों दे रहे हो, जाओ नींबू पानी बना के लेकर। मैं बना के लेके आऊं? हाँ तो और कौन बनाएगा, मैं थोड़ी बना सकती हूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना। अरे यार तुम बस 10 दिन से प्रेग्नेंट हो यार, इतने ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो बेबी प्रेग्नेंट तो हूँ ना। बना रहा हूँ। अच्छा सुनो, प्लीज बर्तन भी साफ कर देना। अब बर्तन भी मैं करूँ? तू बेबी और कौन करेगा यार, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना। और बर्तन ही नहीं यार, अभी तो पूरे घर की क्लीनिंग भी करनी है तुम्हें, मेरा बाथरूम भी साफ करना है, मेरा रूम भी साफ करना है, ये सब कौन करेगा यार। बेबी आप ही तो करोगे ना, मेरा ख्याल कौन रखेगा, प्लीज कर दो। हाँ मैंने किया है तो काम भी मैं ही करूँगा ना। और भाई कैसी चल रही है तेरी नौकरी? भाई यार क्या बताऊँ यार, जिंदगी के लगे पड़े हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ कहाँ जाऊँ। भाई यार तू ही बता दे यार क्या करूँ। हाँ वाह, मजे तुम करो और मदद की उम्मीद हमसे? तुझे पता है तू साले पिट भी सकता है यहाँ पे। चुपचाप बता यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अच्छा एक बात बता, वो डॉक्टर को दिखा लिया ना, सब ठीक ठाक तो है? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर नहीं तो। एक मिनट, शाबाश, पढ़े लिखे हो? अबे डिग्री विग्री किए हो ना, पता नहीं है ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। नहीं यार डॉक्टर को तो नहीं दिखाया अभी तक, और वैसे भी डॉक्टर को बता दिया तो सबको पता नहीं लग जाएगा। वाह, और वो जब इतना बड़ा पेट निकलेगा तब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ना क्या हो रहा है, दुनिया तो अंधी है। भाई यार मुझे नहीं पता, तू बता आप क्या करें। अच्छा सुन, तू टेंशन मत ले, एक काम करते हैं डॉक्टर को घर ही बुला लेते हैं, वो तेरी सारी प्रॉब्लम घर आके ही सोल्व कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, टेंशन मत ले। है भाई, भाई एक बार इस टेंशन से निकल जाऊँ, कसम से कह रहा हूँ जिंदगी सेट है यार। फिर अपनी जिंदगी वैसे भी सेट ही है, ये ले बियर पी और चेस कर। चेस। सॉरी भाई उस बोतल में तो मैंने मुत्ता हुआ था। अबे मजाक कर रहा हूँ यार। आइए डॉक्टर साहब आइए। घर तो बहुत अच्छा है आप लोगों का, किराया कितना देते हो आप लोग? साले प्रॉपर्टी डीलर पकड़ कर आया डॉक्टर। अरे पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पार्ट टाइम काम है प्रॉपर्टी डीलर का, ये देखिए लीजिए। और बताइए आप। और क्या बताइए, हम अंदर पेशेंट है बेडरूम में। अच्छा 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 अच्छा, भाई साहब बहुत अच्छी शर्ट है आपकी, कहाँ से लिया आपने शर्ट? मेरा पार्ट टाइम काम और भी है, मेरे कपड़ों की फैक्ट्री है दिल्ली, आपने वो सुना होगा ना गांधीनगर मार्केट। डॉक्टर साहब वहीं से ही ली है, अब चलो। वे साले क्या बीमारी को पकड़ के लेके आया तू? अबे इमरजेंसी में भाई यही मिला, तू चल ना। देख कहाँ जा रहा साला, ऊपर उसको लेके चलो उधर। तुम्हारी मिसेज जी प्रेग्नेंट है।
साइड में हो तुम। डॉक्टर साहब ये सच में प्रेग्नेंट है ना? हाँ जी पूरे 100% प्रेग्नेंट है, पूरे 50 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। अबे 50 के तो तुम खुद नहीं लग रहे पूरे। अरे कुछ एक्सपीरियंस में नहीं माँ, कभी तो मिला कर है ना, तो हो गया पूरे 50 साल का एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब आपकी माँ भी डॉक्टर ही होगी ना? मेरी माँ डॉक्टर नहीं, वो माँ दाइमा है, वो दाइमा थी। अरे तो आप तो डॉक्टर हो ना? हाँ पूरे 100% कंपाउंडर, महफूज खान साहब नांगलोई वाले जी से सीखी है मैंने डॉक्टरी। तो इसका मतलब तुम्हारे पास डिग्री नहीं है? डिग्री है, डिग्री है, MBA वाली है डिग्री। बाकी आप टेंशन मत लो, काम मुझे सब आते हैं, बहुतों का इलाज किया। अच्छा अच्छा ये बताओ कि अबॉर्शन में अभी कितना टाइम है? 2-3 हफ्ते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत आ सकती है। कि आप लोग टेंशन मत लो, अगर अबॉर्शन कराना है तो 50,000 का खर्चा होगा, लेकिन उसमें क्या है सारी बातें सीक्रेट रखी जाती हैं। 50,000 दे देंगे, बस ये सिम निपटाओ फटाफट यार। भरत मैं अभी आई। अरे बेबी क्या हुआ? बेबी बेबी आई गॉट माय पीरियड्स। सच बेबी? बोल जबान क्यों बंद हो गई? देखा मेरा इलाज, नब्ज पकड़े अपोशन तक करवा देता हूँ। झोला छाप डॉक्टर, कभी ये प्रॉपर्टी डीलर होता है, कभी इसकी कपड़ों की दुकान होती है। हाँ बेबी, इसने मुझे भी कहा था कि इसका ब्यूटी पार्लर भी है। तुझे तो मैं बताऊंगा। लगता है आप लोग बुरा मान गए। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी फीस भी छोड़ो और मुझे जाने भी दो। देखो मोर जाने तो मैं दूंगा तुझे। चल थैंक गॉड बेबी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। क्या मतलब है प्रेग्नेंट नहीं हो? बंटी डॉक्टर को वापस बुला, और इस बार अबॉर्शन के लिए नहीं, दिमाग के इलाज के लिए बुलाइयो।